ऊद बिल्लही मिनशौन बसमीम अख حسابهم وهم في वहम معرضون صدق الله العظيم خواتین و حضرات ये सतरवा पारा है इस पारे में दो सूरतें आती हैं सूर अम्बिया और शुरह हज इसमें कुल सत्रह रुकू हैं आइए इस बारे में बयान किए हुए मजामीन पर एक निगाह डाल लेते हैं इसके पहले रुकू में बयान किया गया कि लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ लगा है यानी यह कि जो भी बंदा जिस वक्त मरता है वहाँ से उसकी क़यामत शुरू हो जाती है लेकिन लोग हैं कि खेल कूद में पड़े हुए हैं जिंदगी के सिलसिले में और ज़िंदगी बाद मौत के सिलसिले में नॉन सीरियस हैं और नबी अलैहि वसल्लम की दावत को खेल मज़ाक में उड़ा रहे हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम की दावत के सिलसिले में जो एतराज वो उठा रहे थे उसका भी जवाब दिया गया रुकू नंबर दो तीन और चार ये इस पारे का उन्नीस फ़ीसद मजमून है जिसमें बताया गया कि कायनात को हमने हक़ के साथ पैदा किया अल्लाह तबरक ने इस कायनात को खलंड्रे के खेल के तौर पर पैदा नहीं किया बल्कि बा मकसद ये कायनात है इस दुनिया में इंसान को भेजा तो भी मकसद है और यही असल उसकी आजमाइश है कि वह हक़ की तरफ आता है या अपने नफ्स का पुजारी बनकर बातिल की परस्त करता है रुकू नंबर पाँच और छ में अम्बिया करामलात सलाम का तस्करा आया जिस पर इनशा हम गुफ्तु करेंगे ये तेरह फ़ीसद मजमून है रुकु नंबर सात में बताया गया कि उस बस्ती को जिसे हमने हिलाक कर दिया था वापस अपनी बस्ती में उस वक्त तक लौट कर नहीं आएंगे जब तक के याजूज माजूज खोल न दिए जाएं और हर बुलंदी से वो पिल मनाजी मनाजिर की गिलानी रहमतुल्ला लाई ने अपनी किताब में लिखा है कि याजूज माजूज से मुराद यूरोपियन कौम है और क़यामत के करीब गोया की दुनिया में उनका गलबा होगा वो सारी दुनिया में फैल जाएंगे। उस वक्त वो बस्ती जिन्हें अपने वतन से 2000 साल पहले निकाल दिया गया था यानी बनी इसराइल वो उस वक्त अपने वतन की तरफ लौट सकेंगे ये कुर्ब क़यामत की नशानियों में से एक नशानी है बरहाल ये तफसील तरफ मजमून है इस पर पहली सूरत सुरह अम्बिया ख़त्म होती है दूसरी सूरत सुरह हज जिसकी शुरुआत यह है कि लोगों से कहा गया कि आखिरत का जो जलजिला है वो एक अजीम जलजिला है एक बड़ी आफत है लोगों से डरो और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करो तुम्हें मौत बाद ज़िंदगी में शक है लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस परवरदिगार ने तुम्हें पहली मरतबा माओं के पेटों में परवरिश की वो दूसरी मरतबा तुम्हें पैदा क्यों नहीं कर सकता ये छः फीसद मजमून है रुको नंबर नौ में बताया गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किनारे खड़े होकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं यानी यह है कि फ़ायदा हो तो खुदा की तरफ और नुकसान नजर आता हो तो मबुदान बातिल की परस्तिश करने लगते हैं ये डामा डोल किस्म के लोग हैं जो पूरे शरे सदर के साथ खुदा की इबादत नहीं करते ये छः फीसद मजमून है रुकू नंबर दस ग्यारह और बारह में काबतुल्ला उसकी तामीर उसकी तारीख़ उससे वाबस्ता जो और चीज़ें हैं जो खुदा ताली की अजीम नशानियाँ हैं उनका जिक्र फ़रमाया हज के मनासिक का जिक्र फरमाया ये मजमून उन्नीस फ़ीसद मजमून है फिर रुकू नंबर बारह से साढ़े बारह यानी आधा रुकू तीन फ़ीसद मजमून वो पहली मरतबा मुसलमानों को इजाज़त दी गई कि चूँकि तुम घरों से निकाले गए हो तुम पर म हुआ है अब तुम्हें लड़ने की इजाज़त दी जाती है ये कुरान में पहली मरतबा लड़ाई की इजाज़त दी गई रुकू नंबर साढ़े बारह से तेरह तक जो बकिया आधा रुकू है उसमें भी अल्लाह ताला ने बताया कि कौमों को किस तरह से इस दुनिया में भी पनिश करता है रुकू नंबर चौदह में बताया कि शैतान इस्लाम का नबी का इनकार करने वालों के सरों पर गिलाजत उंडेल देता है रुकू नंबर पंद्रह से साढ़े पंद्रह में बताया गया कि जो दुनिया में सताए गए में अल्लाह ताला के यहाँ वो ऐश और इशरत की ज़िंदगी बसर करेंगे ये तीन फ़ीसद मजमून है फिर रुकू नंबर साढ़े पंद्रह से साढ़े सोलह तक अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार बेशुमारशानियों का जिक्र फ़रमाया और बताया कि खुदा ताली ने ये सब तुम्हारे लिए पैदा किए हैं लेकिन तुम हो कि खुदाए वाहिद को छोड़ कर और महबूदों की पूजा करते हो बताओ अगर वो खुदा हैं उन्होंने कोई चीज़ें पैदा की हैं तो उसके लिए सबूत दो आखिर में साढ़े सोलह से सत्रह आधा रुकू यानी तीन फीसद मजमून वो मजमून ये है कि तुमको अल्लाह तबरक ने एक अजीम मनसब इमामत पर खड़ा किया है तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा इब्राहिमी शरीयत पर तुम हो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लोगों के सामने हक़ की गवाही पेश करो खुदा से वाबस्ता हो जाओ वही तुम्हारा बेहतरीन कारसाज़ और वही तुम्हारा बेहतरीन मददगार है खवातन हजरा ये वो मजामीन थे जिसका हमने सरसरी तौर पर खुलासा आपके सामने पेश किया अब आइए कि आज के दो मजामीन हम लेते हैं आज का सबक नंबर एक और रमजानुल मुबारक का की लेसन नंबर थर्टी थ्री वो है इन हिम वन ले सिर्फ़ खुदा ताला को पुकारो उसी से वस्ता हो जाओ उसी के सामने अपना दर्द दिल बयान करो अपना माजरा पेश करो दिल का दुखड़ा इंसान पर कभी ऐसा वक्त आता है कि वो किसी और को सुना नहीं सकता वो अंदर से कुढ़न महसूस करता है घुटने लगता है उसका सीना भीचने लगता है लेकिन जब वो खुदा तला की बारगाह में अपने आप को लाकर कर डाल देता है उसकी चौखट पर आकर बैठ जाता है उसके दर का भिकारी बन जाता है उसके सामने हाथ फैला देता है और उस वक्त तक उठने का नाम नहीं लेता जब तक कि अल्लाह ताला उसकी दुआ सुन न ले तो ये बंदा खुशकिस्मत है खुशब है जिसे खुदा के दर पर आने और खुदा से मांगने की तौफीक मिल गई वो लोग बदब्त हैं वो लोग बदकिस्मत हैं जो खुदाए तला के दर को छोड़कर दर बदर की ठोकरें खाते हैं और कहीं उन्हें सुकून नहीं मिलता कोई उनका मलजा और मावा नहीं है कोई जाए पनाह इस दुनिया में इंसानों को सिवाय खुदा के नहीं है खुतिन हजरा इस्लाम की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत यह है कि अल्लाह ताला ने हमें पहचानवाया हमें ये पहचान है कि अल्लाह तैयो देने के लिए तैयार है उसका दर हमेशा खुला हुआ है वो मांगने वाले बंदों से खुश होता है जो नहीं मांगते उनसे नाराज़ होता है और ऐसा नहीं है कि वो देकर एहसान जताता है बल्कि वो देकर खुश होता है उस अजीम हस्ती के दरबार में कैसे मांगा जाए इसके लिए हमारे लिए उसवा अम्बिया करामलातम है स्क्रीन पर मैंने चार नबियों का तस्करा किया अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और हज़रत अलैहिस्सलाम आयतों को मैंने कोट किया है आयत नंबर 76, 83, 84, 87, 88, 89, 90। आइए जरा एट इतमान से तफसील से देखते हैं कि इन आयतों में क्या हमें पैगाम दिया गया है अम्बिया में से कुछ अम्बिया को अल्लाह तबरक ने जो ख़ुसूसी सलाहियतें दी उनका जिक्र है और कुछ अम्बिया जिन्होंने ख़ुसूसी दुआएँ की उनका जिक्र है उनमें से पहले नबी हज़रत नाम का जिक्र है यह पहले रसूल भी हैं इन्होंने अपनी कौम को हाँके पुकारे खुदा की तरफ़ दावत दी और जब इनकी कौम ने मान कर नहीं दिया रद्द कर दिया जब बंदा महसूस करे कि वो ओवर है वो दबोच लिया गया है उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी गई है उसके पैगाम को लोग ठट्टों में उड़ा रहे हैं नॉन सीरियस रवैया लोग इख्तियार कर रहे हैं बल्कि मजाक उड़ा रहे हैं तो ऐसे में किसी फ़र्द के दिल पर क्या क़यामत गुजरती होगी वो वही जानता है लेकिन हम जैसे सीधे साधे इंसानों को भी इसका छोटा सा तजर्बा होता है जब हमारा दिल बहुत दुखी हो जाता है हमारी बातें सुनी नहीं जाती हमारी दावत रद्द कर दी जाती है हम दुनिया में अकेले पड़ जाते हैं बेवज़न से महसूस होने लगता है ऐसे में हमारा दिल रोता है क्या करना चाहिए हज़रत नूसम की तरह खुदा के हजूर गिड़ गिड़ाना चाहिए व नूहन इज ना दाम कबल हमने रसूलों को बहुत सी नमतें दी उनमें पहले हजरत नूह का ज़िक्र करो बताओ उसने हमें जब पुकारा था फस तजब ना लहो हमने उसकी पुकार को सुन ली हमने उसकी दुआ को कबूल कर ली फन जई ना हो वह लहो मिनल हमने उसे और उसके अहल को उस दर्द उस कर्ब उस तकलीफ़ जिसमें मुबला थे हमने नजात दी सुर नूह का मुताल कीजिए बहुत शानदार सुर जिसमें हजरत नूसम ने खुदा के हजूर अपनी कमजोरी का अपनी मगलूबीत का दुखड़ा सुनाया है रिपोर्ट पेश की है कहाँ के परवरदिगार मैंने इनको सुबह शाम पुकारा मैंने इन्हें तनहा तनहा दावत दी मैंने इन्हें इजतमाही तौर पर दावत दी मैंने इन्हें दलाइल के साथ समझाया मैंने इनके खलूब को अपील किया मैंने इन्हें उम्मीद दिलाई कि तुम अगर खुदा की तरफ लौटो तो खुदाए तला तुम पर बारिश बरसाएगा खुदाए तला तुम्हारी दौलत में तुम्हारे बच्चों में बरकत अता करेगा लेकिन किसी सूरत में कौम मान कर देने के लिए तैयार नहीं है परवरदिगार अब रोए ज़मीन पर इनमें से किसी एक को भी ना छोड़ इसलिए कि कुफर के अलावा किसी और चीज़ में ये इजाफा नहीं कर सकते आखिरकार अल्लाह तला ने उनकी दुआ सुन ली और उसके बाद अल्लाह ने उस तौम पर आज़ाद नाजिल कर दिया आसमान भी बारिश बरसने लगा और ज़मीन भी पानी उबलने लगी और हर तरफ़ से सैलाब ही सैलाब सिवाय उन लोगों के जो कश्ती नू में सवार हुए बाकी सब उस सैलाब में गर्क होकर ख़त्म हो गए अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली दूसरे नबी हज़रत्यूब का जिक्र किया वह अयूब इदनादा रबह अन्नी मसनियुर अरहमराहमीन हज़रत अयूब सबर के पैकर थे मुजस्म सब्र थे सब्रयूब एक जरबुलमसल है महक्न और मुफसरन बताते हैं कि हज़रत्यूब बनी इसराइल के नबियों में से एक नबी थे अल्लाह ने उनको बेशुमार दौलत से नवाजा था उनके पास सात हज़ार भेड़ें थीं, उनके पास तीन हज़ार ऊन थे उनके पास एक हज़ार बैल थे जिससे वो खेती बाड़ी का काम लेते थे उनके पास पाँच सौ गधे थे जिनसे वो बार बर्दारी का काम लेते थे बेशुमार नेमतें थी शैतान और उसके एजेंट ये अशगला छोड़ा उन्होंने कि अयूब को तो अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है वो इबादत गुजार नहीं होंगे तो और क्या होंगे हुआ ये कि धीरे धीरे अल्लाह उन्हें आजमाइश में मुबला किया उनके बच्चे मर गए उनकी खेतियां ख़त्म हो गई उनके जानवर मर गए और सब छट गए यहाँ तक किताबों में लिखा हुआ है कि सर से लेकर पैर तक उनके जिसम में फोड़े निकल आए इंतहाई तकलीफ़ में थे वो खुजाते थे ठीकरी थे से राख पर बैठते थे लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ हरफ शिकायत ज़ुबान पर नहीं लाए वो कहते थे रब्बी अन्नी मसनी ज़ुर व अंत रहा हमरा बीमारी ने मुझे छू लिया है और तू सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है देखिए खुदा के हुजूर अदब खुदा के हुजूर पेश करने का सलीका यह नहीं कहा कि मैं सख्त बीमार हूँ मैं बड़ी आजमाइश में मुब्तिला हूँ सिर्फ ये कहा कि मुझे बीमारी ने छू लिया है और यह नहीं कहा कि मुझे शिफा दे दे मुझे फलां दे दे मुझे सेहत दे दे सिर्फ ये कहा कि तू अरहम्राहिमीन है अब तेरी रहमत जिसमें करीब हो वो दे इमाम रहमतुल्लाह रहमत ने अपनी किताब में लिखा है कि परवरदिगार मैं बीमार हो गया हूँ मुझे पता नहीं कि मेरी बीमारी में तेरी रहमत मुझसे करीब होती है या मैं जब शिफा पाता हूँ तब तेरी रहमत मुझसे करीब होती है मुझे नहीं मालूम मुझे वो अदा फरमा जिसमें तेरी रहमत मुझे मिल जाए अल्लाह अकबर ये अंदाज़ मांगने का ये अंदाज़ पेश करने का तो हजरत अय्यूब आसलम ने दुआ की अल्लाह ताला ने फरमाया फ सजब ना लहू हमने उसकी दुआ सुन ली फशफ़ ना मा भी मिन और जिस तकलीफ़ के अंदर वो मुब्तला था हमने उसे दूर कर दिया वह आतई नाहू अहलहू मिसलह हमने उसे अहल आयाल और जैसी दौलत और जैसे साजो सामान उसके पास मौजूद थे वैसे सब कुछ हमने लौटा दिया व आतई ना हो अहलहू मिसल महूम रहमतमिन इन दिना यह हमारी तरफ से रहमत है विकराली आबिदीन और इबादत गुजार लोगों के लिए इसमें बड़ी नसीहत है तीसरे और चौथे नबी का भी जिक्र आया अख्तसार से अस कर दूँ कि हज़रत यून अपना वतन छोड़ कर दावती फरीजा अंजाम दे रहे थे कौम मान कर नहीं दे रही थी तो निकल गए गज़बनाक होकर अल्लाह ताली ने उन्हें एक मछली के पेट में पहुँचा दिया सुबह शाम ये दुआ करते थे ला अंत सुबह कन्नी कुंत मिनतमिन इसका विरद करते रहे आखिरकार अल्लाह तालहम आ गया और अल्लाह ताली ने कहा फ़स्त जब ना लहो हमने उसकी दुआ सुन ली वन जई ना हो मिनल गम और जिस ग़म और अंदोह में वो मुबला था जिस पेन के अंदर नफ्सियाती तौर पर दिल में जो दर्द हो रहा था ग़म की जो कैफियत उन पर थी उस गम से हमने उन्हें नजात दी वह कदाल का नंजिल ममिन और मोमिनों को भी हमेशा हम ऐसा ही ग़म से नजात देते रहेंगे जब वो सच्चे दिल से तोबा करेंगे तो अल्लाह तबारक तारा जिस अंधेरे में भी वो घिरे होंगे वहाँ से निकाल देगा हज़रत जकरिया का जिक्र किया कि बुढ़ापे की उम्र में भी उन्हें कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने बार बार दुआ की तो कुरान ने कहा फ़स् सच बना लहू हमने उसकी भी दुआ सुन ली वह वह बना लहू यहिया और हमने यहया जैसी प्यारी औलाद उसे अता की वह असलहना लहू जोजा और उसकी बीवी के बांझपन को हमने दूर कर दिया अल्लाह तला दुआओं को कबूल करने वाला है खुतिन हजरात अगर आप दबा लिए गए हों दबोश लिए गए हों तो हज़रत नूह को याद कीजिए अगर आप बीमार हों तो हज़रत ऐब को याद कीजिए अगर आप अंधेरे में घिर गए हों तो यूनुस को याद कीजिए अगर आप ला लावलद हैं तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को याद कीजिए एक्शन प्लान ये है कि आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम क्या मुसीबतें हैं क्या मसाइल हैं किन मुश्किल से आप दो चार हैं उनकी फहरस्त बनाइए लर्न हाउ टू मेक दुआ सीखिए कि अल्लाह ताला के, के हुजूर अपना माजरा कैसे सुनाना है और अपनी अर्सदाश्त को कैसे पेश करना है ये किसी से सीखिए खवातिन हजरात आज का दूसरा सबक हमारे सामने है और रमज़ान का लेसन नंबर थर्टी फोर है वो है हिस्ट्री ऑफ काबा। अल्लाह ताला ने काबा को कैसे प्रोटेक्ट करके रोज़ अव्वल से लेकर आज तक रखा है उस पर हम बात करेंगे सूरह हज आयत नंबर 26 और 27 में अल्लाह ताला ने कहा, तहा वान इब्राहिम मकान बैती अल्लाह तुशरिक बी शई आ तहिर बैती तोीना वल् इमीना सुजूद हजरत इब्राहिम को अल्लाह तबरक ने दिखाया उसकी नशानदही की उस जगह की जहाँ काबतुल्लाह के फाउंडेशंस मौजूद थे ये भी तर्जुमा है कि जहाँ काबतुल्लाह को तामीर करना है उस मकान को उस लोकेशन को अल्लाह तबरक ने इब्राहिम को बताया और इब्राहिम से कहा कि ये घर बनाओ अल्लाह तो शर्क भी शैआ यहाँ शर्क का कोई शायबा नहीं होना चाहिए ये तौहीद का मरकज बनेगा और इस घर को पाक साफ रखा जाए तवाफ़ करने वालों के लिए कयाम करने वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए ख़वानों हज़रात इस स्लाइड को देखिए कि अगर कोई काबतुल्लाह को ऊपर से सैटेलाइट से या हेलीकॉप्टर से उसकी तस्वीर निकाले तो तीन किस्म के डॉट्स उसे नज़र आएंगे एक डॉट सरों का वो है सर्कुलर मूवमेंट में होगा एक आप देखेंगे डॉट्स होंगे जो वर्टिकल एक्सिस में मूवमेंट कर रहे होंगे और कुछ डॉट्स होंगे जो स्टैटिक होंगे ऊपर से आप देखें तो आपको पता चलेगा जो पहला डॉट है जो सर हैं जो घूम रहे हैं वो लताइफिन तवाफ करने वाले मुसलसल 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 हज़ारा बरस से लोग तवाफ़ करते चले जा रहे हैं दूसरा ये है कि कबुल्ला जाती लोग नमाज पढ़ते मुस्तकिल आप देख सकते हैं कि लोग वर्टिकल मूवमेंट में ही रुकू कर रहे हैं सजदा कर रहे हैं और तीसरा कुछ लोग हैं जो एहतिकाफ किए हुए हैं बल्कामीन और बस जगह वल किफीन कहा एहतिकाफ़ करने वाले क़्याम करने वाले बैठने वाले काबतुल्ला को सिर्फ़ देखते रहने में भी सवाब है तो बहुत से लोग तवाफ़ करने के बाद नमाज़ें पढ़ने के बाद कुछ देर आराम करते हैं और क़ाबतुल्ला को पूरी भरपूर नज़र से देखते रहते हैं इसलिए क़ाबतुल्ला को देखने में भी सवाब है बस इसी नज़ारे को देखते रहते हैं तो इन तीनों का तस्करा इस एक आयत में आ गया अब हम आते हैं कि काबतुल्ला की तारीख़ आपके सामने इक्तसार के साथ पेश करें आपको मालूम होना चाहिए कि ये दुनिया जो बनी है कई बिलियन साल पहले कम अज़ कम साढ़े चार बिलियन ईयर्स बिफोर जब ये दुनिया बनी तो उस वक्त काबतुल्ला बना फरिश्तों ने ज़मीन में एक काबा बनाया ये बैत मामूर के ठीक नीचे बनाया मामूर वो जगह है जहाँ अल्लाह तबारक व ताल के अतराफ़ फरिश्ते तवाफ़ करते रहते हैं मुस्तकिल इबादत में लगे हुए हैं और उसके नीचे काबतुल्लाह को बनाया और ज़मीन में वो तवाफ करते रहे अल्लाह ताला की इबादत करते रहे फिर इंसान कब आया हमें इसका अंदाज़ा नहीं है लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ बताते हैं कि सत्तर अस्सी हज़ार बरस पहले इंसान दुनिया में आया हज़रत आदम आए और पहली मरतबा ज़मीन पर उन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए काबतुल्लाह को तामीर किया कुरान मजीद हमें बताता है इन्ना अव्वला अव्वल बैतूलनासी ललदीब बक्त मुबारक पहला घर जो खुदा की इबादत के लिए रुए ज़मीन पर तामीर किया गया वो मक् मुकर्रमा के अंदर मौजूद है यानी हजरत आदम ने क़ाबतुल्ला की तामीर की फिर जमाना गुजरा और काबतुल्ला के दर दीवार खस्ता हो गए तो शीसम ने तीसरी मरतबा तमीर किया और चौथी मरतबा हज़रत इब्राहीम जब वहाँ आए तो उसके फाउंडेशंस थे काबतुल्ला नहीं था उसकी दीवारें नहीं थी वहाँ बताया कि यहाँ काबतुल्ला को बनाना है तो हज़रत इब्राहीम ने काबा की तामीर की ये फोर्थ कंस्ट्रक्शन है फिर उसके बाद हज़रत इब्राहिम चले गए इसमाइल आल्लाम और बनो इस्माइल वहाँ आबाद थे बनो इस्माइल के बाद जो दूसरा कबीला वहाँ आया मक्का में और बनवा इस्माइल की इजाज़त के साथ वहाँ क़्याम पजीर हुआ वह बनो जुरहम है बहुत मदत के बाद बनो जुरहम ने काबतुल्ल की तामीर की ये फिफ्थ कंस्ट्रकशन है सिकस्थ कंस्ट्रक्शन वो फोर थर्टी ए डी में यानि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के लगभग 200 साल पहले उनके जद्द अमजद खुदाई इबन किलाप ने काबतुल्ला की तमीर की सिटी स्टेट बनाया लोगों को लाकर फिर से आबाद किया तिजारत का मरकज़ बनाया छठी मरतबा काबतुल्ला की जो तमीर हुई वो खुराइ के ज़माने में जब नबी करीम सलील वसम की उम्र मुबारक पैंतीस थी और वह वाक़ मशहूर है कि लोगों के दरमियान इख्तलाफ हो गया तो एक चादर में हजर असवद को रखा सब कबीले के लोगों ने मिलकर उसे उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर असवद को नस्ब किया सातवीं मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हज़रत हज़रतल अबिन ज़ुबैर ने तामीर किया और उस वक्त उन्होंने काबतल्ला को बड़ा कर दिया हज़रत इब्राहिम की बुनियादों पर उन्होंने तामीर कर दिया उसके बाद अब्दुल्ल बिन जुबैर और अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरमियान जो लड़ाइयाँ हुई उसमें जो गोला बारी हुई काबतुल्लाह के ख़िलाफ़ जल गए उसके पत्थर जल गए तो काबा को ढा दिया गया और आठवीं मरतबा हजाज बिन यूसुफ़ ने 692 में उसे कंस्ट्रक्ट किया नवी मरतबा खिलाफत उस्मानिया का एक बादशाह मुराद फोर्थ था मुराद चाहरुम उसने 1626 में काबतुल्लाह को तामीर किया यह आखिरी मरतबा है जो उसने तामीर किया अब उसके बाद गुज्त तकरीबन चार सौ साल से उसी काबतुल्ला को रिपेयर किया जाता रहा रेस्टोरेशन किया जाता रहा लेकिन काबतुल्ला को जैसे उसने तामीर किया वो आज तक बाकी है ये उसकी मुख्तसर तारीख है जो मैंने आपके सामने पेश की तलबा नौजवानों की दिलचस्पी के लिए बताऊँ कि काबतुल्ला क्यूबिकल है और मोटा मोटा हिस्सा बारह मीटर बाई बारह मीटर बाई बारह मीटर हालाँकि एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है क्यूब क्यूब और का प्लान स्क्वायर होता है स्क्वायर को आप अपने ड्राइंग पेपर में दो तरीके से रख सकते हैं एक आप स्क्वायर को ऑन बेस रख सकते हैं और एक ऑन एड्स रख सकते हैं आन बेस नहीं है मैप में अगर आप उसे लोकेट करेंगे दुनिया के मैप में तो ऑन एड्स है जैसे कि के, के राइट साइड में बताया गया ऑन एड्स का मतलब है कि एक कोना साउथ की जानब है काबतल्ला का एक कोना नॉर्थ की जानब है काबतुल्ला का एक कोना ईस्ट की तरफ है एक कोना वेस्ट की तरफ है हजरत इब्राहिम ने जब बनाया तो बीबी हाजरा और इस्माइल जिन चीज़ों को समझते थे उसके हिसाब से उन कोनों का नाम दिया वो कोना जो नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा राइट में है तो उसे उन्होंने रुकने इराकी दिया जहाँ से वो आए थे जहाँ वो क्याम पजीर थे मुल्क शाम के इलाक़े में तो दूसरे कोने को उन्होंने रुकने शामी नाम दिया तीसरा कोना जो एग्जैक्टली साउथ की तरफ है वो रुकने यमनी है और चौथा कोना जो ईस्ट की तरफ वो रुकने हिंदी था जहाँ हजर असद नसब है जिसे हम इस वक्त रुकने हजर असद कहते हैं वहाँ से तवाफ़ की शुरुआत होती है गोया सारी कायनात जो एंटी क्लाक घूम रही है हज में उम्र में तवाफ में एक बंद मोमिन ईस्ट से शुरू करता है और लेफ्ट हैंड की तरफ वो मूव करना शुरू होता है यानी वो एंटी क्लॉकवाइज जब तवाफ़ करता है तो उसका ये मतलब है कि वो पूरी कायनात के साथ हम आहंग हो जाता है पूरे यूनिवर्स के मूवमेंट के साथ वो सिंक्रोनाइज हो जाता है क़ाबतुल्ला इस तरह से एड्ज़ ए स्क्वायर ऑन एज अब इसके कुछ सैलियंट फीचर्स इसकी कुछ अहम बातें आपके सामने अर्ज करूं। नंबर एक ये है कि इट इज़ ऑन एडजस्ट नॉट ऑन साइड्स जिसका मैंने अभी जिक्र किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो काबा बनाया वो रेक्टेंगुलर था और उसके ऊपर छत नहीं थी और उसका दरवाज़ा नहीं था फिर बाद में किसी ज़माने में वहाँ काबतुल्ला का दरवाज़ा लगाया गया और छत भी डाली गई और काबतुल्ला रेक्टेंगुलर था बाद में किसी ज़माने में वो स्क्वाश हो गया अब इधर बीस पच्चीस साल पहले काबतुल्ला के रेस्टोरेशन के हवाले से खुदाई हुई नीचे तक गए और पुराना जो मटेरियल था उन सब को निकाल कर नया स्टफ़ उसके अंदर भरा गया फिलिंग मटेरियल भरा गया रेत भरी गई तो उस ज़माने में जब काबतुल्ला को लोगों ने कंस्ट्रक्शन के लिए रेस्टोरेशन के लिए आज से 20-25 साल पहले काम किया तो पता चला कि हज़रत इब्राहिम का काबा हतीम की तरफ एक मीटर आगे है इसलिए आप अगर हतीम में पहुँचें और बिल्कुल काबतुल्ल्ला से लग कर आप नमाज़ अदा कर लें तो काब के अंदर पहुँचने के बराबर है जिसम पर झुरझुरी तारी हो जाती है रोंगट खड़े हो जाते हैं बीजाब राहमत के नीचे आप दुआ कर सकते हैं कबूलीत का मुकाम है और वो हतीम की जो दीवार है सेमी सर्कुलर वो बीबी -बी हाजरा का घर था उन्होंने कांटों की लकड़ियों से वो बाढ़ बना दी थी गोया कि अल्लाह तला के घर की पहली पड़ोसन एक औरत है वही उनका घर था हतीम वहाँ वो क़्याम करती थी मुक़ाम इब्राहिम वो मुक़ाम है जहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अब्ला की तामीर कर रहे थे इस्माइल दौड़ दौड़ कर पत्थर ला कर देते थे शौक़ के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुनते चले जाते थे गारे में और जब चार पाँच फीट से ज़्यादा हो जाए तो इंसान स्टूल चाहता है या ये है कि कुछ और इंतज़ाम किया जाता है जिसमें खड़े होकर कंस्ट्रक्शन का सामान या ब्रिक ले आ जा सके या पत्थर रख सकें तो हज़रत इब्राहिम ने एक छोटा सा पत्थर लिया उस पर चढ़ कर काबतुल्ला को और उसके हाइट को रेज़ करते जा रहे थे जब काबतुल्ला की तमीर ख़त्म हो गई तो एक मुकाम पर उन्होंने उस पत्थर को छोड़ दिया जिसे मुकाम इब्राहिम कहा जाता है आज भी फ़र्ज़ नमाज़ इमाम वहीं खड़े होकर पढ़ाता है कुरान में कहा गया बदतखिजों में मकामी इब्राहिम मुसल्ला बाद में वो चूँकि तवाफ़ में वो पत्थर डिस्टर्ब करता था तो थोड़ा सा पीछे किसी ज़माने में लोगों ने उसे कर दिया जमजम का कुआँ भी वहीं मौजूद था और किसी ज़माने में वो बंद हो गया था हज़रत अब्दुलमतब ने उसे री किया तब्बा नाम का एक बादशाह था उसने पहली मरतबा काबतुल्ल् में दरवाज़ा भी लगाया और किसवा भी उड़ाया हज़रतमर रजी अल्ला तुमने देखा कि उनके ज़माने में मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी और लोग जब तवाफ़ करते थे तो बाद लोगों के अहराम के कपड़े घरों के भांस में लग कर पट जाते थे इससे बहुत से घरों को मोहल्ले में जो घर मौजूद थे उन सब को ले लेकर आप काबतुल्लाह में शामिल करते चले जाते थे मज़ीद हराम का हिस्सा बनाते जाते थे और आज जिसे हम मताफ़ कहते हैं वो किसी ज़माने में मोहल्ला था जिसे खाली करके मताफ बनाया गया इस मताफ के अंदर लोग कहते हैं कि बाज़ अम्बिया की खबरें मौजूद थी जिन अम्बिया के कौमों अज़ाब आया वो अपने वतन को छोड़कर काबतुल्ला में आकर क्या करते थे मक्का आ जाते थे वहीं रहते थे वहीं उनकी मौत वाक़ होती थी वहीं उनकी तदफीन होती थी और आज जो जितना बड़ा मताफ है उनमें से चार पाँच अम्बिया की खबरें लोगों को मालूम थी किसी जमाने में हजरत उमर रजील्लाताफ को एक्सपैंड किया खातिन की बहुत दिलचस्प कहानी है जिस काबत की तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं जो हमारा मरकज़ है उसके सिलसिले में कुछ बातें मैंने आपके सामने पेश की हैं एक्शन प्लान ये है कि आज और कल से आप जब नमाज़ पढ़ें तो इस काबल्ला के सिलसिले में वाज तस्वुर जहन में पैदा कीजिए कि ये कितना अजीम घर है कितना ये मुशर्रफ घर है बाइज़्ज़त घर है जलाल वाला अजमत वाला घर है इस घर की तरफ हम रुख के नमाज़ पढ़ते हैं इसको आप इमेजिन कीजिए नंबर दो ये है कि अल्लाह तला से इस रमदान में दुआ कीजिए कि रमदान के गुज़रने के बाद हालात जब आफ़ियत के हो जाएँ और ये पैंडमिक के दौर ख़त्म हो जाए तो अल्लाह ताली हमें तोफ़ी दे हमें अल्लाह ताली ये सदत दे कि उस घर की जीतारत करें उम्र के ज़रिए से हज के से या किसी और जरिए से हम वहां पहुंचे इसके लिए आप दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताली हमें कम अज कम एक मरतबा जरूर जिंदगी में बुलाए और अपने घर की जियारत की तोफी अतः फरमाए अल्लाह से तुआ तबरक ताला ताला हमें कुरान को कमा हक को समझने की तोफ़ी अदा फरमाए आमीन व आखिर रबीन